SC ST छात्रों को भी भरनी होगी फीस। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खत्म की ये सुविधा। आपको बता दें, निजी शिक्षण संस्थाओं में SC ST को निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थाओं में अब निःशुल्क प्रवेश नहीं मिलेगा। सुना आपने, प्रदेश सरकार ने निःशुल्क भरपाई योजना बंद कर दी है। योगी सरकार का कहना है कि गड़बड़ियों की शिकायतों की वजह से निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था खत्म करने का फैसला लिया है। वहीं सरकार और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में इन दोनों ही वर्गों के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। नए नियम से निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले इन वर्गों के 2-3 लाख विद्यार्थी प्रभावित होंगे। अब ये छात्र निजी शिक्षण संस्थाओं में फीस देकर एडमिशन लेंगे, बाद में शुल्क जमा राशि सरकार उनके खाते में भेजेगी। अब खाते में आएंगे या नहीं, ये खैर आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थाओं में अब पैसे देने होंगे। साल 2002-03 में केंद्र सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त और निजी शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के 100% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था लागू की थी। इसे यूपी में भी लागू किया गया, क्योंकि इस मद में जरूरी बजट का बड़ा हिस्सा केंद्र से ही मिलता है। आपको बता दें, अखिलेश सरकार में तय की गई थी सीटों की संख्या। बता दें, साल 2014 और 15 में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने प्रदेश में SC ST छात्रों के निःशुल्क प्रवेश के लिए सीटों की संख्या 40% निर्धारित की थी। यानी कुल सीट संख्या की 40% तक सीटों पर ही ST ST छात्रों को निःशुल्क प्रवेश दिया जा सकता था। अब ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है। हालांकि सरकार और सहायता प्राप्त सरकारी संस्थाओं में SC ST वर्ग के सभी छात्रों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा, भले ही ये संख्या कुल सीटों के 40% से ज्यादा क्यों ना हो। इस पूरे मामले पर समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह का कहना है कि छात्रवृत्ति शुल्क योजनाओं में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं में SC ST छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था खत्म की गई है, पर इन सभी छात्रों के बाद में नियम अनुसार शुल्क की भरपाई की जाएगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।